1947 में मिली देश की आजादी को भीख बताने वाले कंगना रणौत के बयान पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। लगभग सभी विपक्षी पार्टियों ने कंगना रणौत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और कई शहरों में उनका विरोध करने के लिए लोग सड़कों पर उतर आए, जिनमें मुंबई भी शामिल है। शहर के अंधेरी इलाके में कांग्रेस नेता संजय निरुपम समेत तमाम कार्यकर्ताओं ने कंगना के विरोध में नारे लगाए। उन्होंने अंधेरी रोड को पूरी तरह बंद करने की कोशिश की। उस रास्ते को इस वक्त बंद किया गया है कांग्रेस के विरोध के चलते। कांग्रेस का ये विरोध साफ तौर पे कंगना रणौत के खिलाफ हो रहा है। कंगना के विरोध में प्रदर्शनकारी पर्चे लेकर आए, जिन पर बनी कंगना की तस्वीर पर उन्होंने क्रॉस का निशान लगा दिया। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने कंगना रणौत पर शहीदों के अपमान का आरोप लगाया और उनकी गिरफ्तारी की मांग की। अरेस्ट किया जाए और उसके ऊपर उत्तर प्रदेश के कानपुर में भी कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। वो वहाँ एक पुतला लेकर पहुँचे और उन्होंने कंगना से पद्मश्री वापस लेने की मांग रखी। उन लोगों ने उस पुतले के सिर पर कंगना की तस्वीर चिपका दी और फिर बीच चौराहे पर उस पुतले में आग लगा दी गई। सौबात की एक बात यह कि कंगना रणौत अक्सर अपने बयानों से विवाद खड़ा करती रही हैं, लेकिन इस बार उन्होंने पद्मश्री से सम्मानित होने के दो दिन बाद ही देश की आजादी पर विवादास्पद बयान दे दिया और 1947 में मिली जिस आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है उसे भीख वाली आजादी बताकर ऐसा बवाल मचाया कि अब विपक्षी दल उनको दिया गया पद्मश्री सम्मान वापस लेने की मांग कर रहे हैं।